दोस्तों, रोजमर्रा इंग्लिश बोलचाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश ग्रामर का ये है एक और लेसन। और आज हमने इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू एंड वर टू को इतनी अच्छी तरह से सीख लेना है कि इनको हम बआसानी इंग्लिश राइटिंग में और इंग्लिश बोलचाल में यूज कर सकें। हे एवरीवन, माय नेम इज आसिम एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन वोकैबुलरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल। निहायत ही आसान तरीके से उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से वो कैबिनियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। और इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का लिंक और हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, आइए बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। जी दोस्तों, उर्दू में हम इस तरह के फिकरात अक्सर बोलते रहते हैं जिनके आखिर में ना है या ना था आता है। जैसे कि उसे अगले महीने लाहौर आना है, उसे ये रात तक सीखना है, उन्हें कल इम्तिहान देने हैं, यानी किसी को कोई काम करना है या करना था। तो उर्दू में इस तरह से की जाने वाली बातों को बड़ी ही आसानी से हम इंग्लिश में करना सीखेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि हम दो तरह से बातें करना सीखने वाले हैं, जिसमें पहली चीज़ आ जाती है करना है, ठीक है, यानी ना है। इसमें हम इज़, एम और आर को यूज़ करेंगे और ये प्रेजेंट की, अभी की बातें करने के लिए हम यूज़ करेंगे। यानी इज़, एम, आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, पता होगा, ठीक है। और दूसरी बात है करना था, ठीक है, तो करना था ये बेसिकली पास्ट में आ जाता है और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वाज एंड वर। तो फिलहाल के लिए हमें बिल्कुल बुनियादी चीज़ें समझनी हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ बन जाएगा कि सबसे पहले हम उस शख्स का नाम बोलेंगे, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा जिसको कुछ करना है या कुछ करना था। अगर करना है तो इज एम आर, और अगर करना था तो वाज वर। उसके बाद हम लगाएंगे टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। जैसे अगर मैं कहूँ कि उसे जाना है तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज़ टू गो, ही इज़ टू गो। याद रखिए, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, was to, were to, is to, am to, are to। तो सब के साथ हम verb की first form का ही use करने वाले हैं। Okay, I am to learn, मुझे सीखना है। I am to learn, मुझे सीखना है। तुम्हें ढूंढना है, you are to find, you are to find the solution, for example, तुम्हें इसका हल ढूंढना है। Okay, अगर हम past में देखें तो उसे छुपना था, शी, ओके, चूंकि पास्ट है तो वॉज और फिर टू हाइड, शी वॉज टू हाइड। वर को देख लेते हैं, दे वर टू प्ले, उन्हें खेलना था। जी, तो इस तरह से आपने बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस तो बनाना सीख लिए इज टू, एम टू, वॉज टू, वर टू वगैरह को यूज करके। लेकिन इनको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर इनका यूज होता है और ये हमारी इंग्लिश को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ मजीद यूजेस देख लेते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। उसे अगले महीने लाहौर आना है। अब उसका ये प्लान है, पहले से उसने ये डिसाइड कर लिया है, ये तय है, ठीक है। तो जब कोई बात प्री प्लान्ड हो, तय हो चुकी हो, अरेंज हो चुकी हो, तो ऐसी बातों को हम इंग्लिश में कहने के लिए is to, am to and are to इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसे अगले महीने लाहौर आना है, ठीक है, यानी प्लान है। तो he is to visit Lahore next month, he is to visit Lahore next month। उसे ये रात तक सीखना है, डिसाइड हो चुका है ये, ठीक है, कि उसे ये रात तक सीखना है। he is to learn this till night, he is to learn this till night। वो कल से इम्तिहान ले रहे हैं, दे आर टू टेक एग्जाम्स टुमारो, दे आर टू टेक एग्जाम्स टुमारो। इसी तरह से मुझे शाम को डॉक्टर को दिखाना है,
I am to see the doctor in the evening. I am to see a doctor in the evening. तो ये मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूँ और बिल्कुल करीब के फ्यूचर के लिए, या आप ये कह लें कि फ्यूचर में एक डिसाइडेड टाइम पर जब आपको कुछ करना हो तो आप इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर इज टू, एम टू और आर टू को कन्फ्यूज़ किया जाता है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के साथ। वजह क्या है कि इन दोनों के जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं वो एक ही तरह से एंड हो रहे होते हैं, यानी मुझे करना है, उसे करना है, राइट? तो ज़रा इनके जो फ़र्क है वो समझ लेते हैं, ये जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, वैसे तो इस पर हमने एक अलग कंप्लीट लेसन बनाया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, आप वो लेसन देखिए, उससे आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसके ज़रा फ़र्क को समझ लेते हैं। जब आप हैव टू, हैज़ टू कहते हैं तो बेसिकली आप कह रहे होते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, यानी आप ये नहीं बताते कि मुझे जाना है, आप कह रहे हैं मुझे जाना पड़ेगा। अब आप इस सूरत में जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते, राइट? यानी आपका वो एक डिसीजन नहीं है, सिर्फ आप इतना बता रहे हैं कि आपको जाना होगा, आपको जाना पड़ेगा, राइट? ओके, इस जाने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी है, वजह है, प्रेशर है, ठीक है? ओके, अगर हम इसकी एग्जैक्ट उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो ये कुछ यूं बनेगी, मुझे कल घर जाना होगा, मुझे कल घर जाना पड़ेगा। इसी बात को हम दो और तरह से कर सकते हैं। पहला, आई एम गोइंग होम टुमारो, यानी आप ये फैसला कर चुके हैं कि कल आप घर जा रहे हैं, यहां जाना पड़ेगा, और यहां आपने फैसला कर लिया कि आप कल घर जा रहे हैं, यानी आप कल घर जाने वाले हैं। तो जब हम कहते हैं गोइंग, आई एम गोइंग होम, तो इसका मतलब उर्दू में हम अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो कुछ यूं बनेगी, कल मैं घर जाने वाला हूं, या कल मैं घर जा रहा हूं, आप अपना प्लान बता रहे हैं। जबकि अगर आई एम टू गो इसको देखें तो आप सिंपली बता रहे हैं अपना फैसला कि कल आप घर जा रहे हैं, यानी अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो उर्दू में हम कुछ इस तरह के फिकरात बोलते हैं, बातें करते हैं कि कल मुझे घर जाना है, तो कल घर जाना है, कल घर जा रहा हूँ और कल घर जाना पड़ेगा, यहाँ फैसला नहीं हुआ हुआ, जबकि इन दोनों केसेस में आपने पहले से फैसला कर लिया हुआ है जाने का। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जब भी हम घर जाने की बात करते हैं तो हम गो होम कहते हैं, गो टू होम नहीं कहते, ये पॉइंट याद रखिएगा। अक्सर दोस्त गलती कर देते हैं, क्या कहते हैं जी, गो टू होम, ठीक है, आई एम टू गो टू होम। अगर आप यहाँ पर होम के अलावा किसी भी और जगह का नाम बोलें, फॉर एग्जाम्पल गो टू सिटी, तो यहाँ पर आप टू सिटी कहते हैं, आई एम टू गो टू सिटी, आई एम टू गो टू पार्क, यानी होम के अलावा आप टू का यूज़ करते हैं गो के बाद, ठीक है? ओके जी आगे बढ़ते हैं। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू एंड वर टू, इन सब के कुछ यूजेस हैं, इनको बारी बारी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस सिचुएशन में इनका हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी को कोई काम करने का हुक्म देना हो, कहना हो, तो आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैच से पहले प्रैक्टिस करनी है, यू आर टू डू प्रैक्टिस, यू आर टू डू प्रैक्टिस बिफोर द मैच, आपको इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अगर आप मनफी में फिक्रा बना रहे हैं तो आप आर इज एम के बाद नॉट लगाकर उसके बाद टू लगाएंगे, ठीक है? यानी नॉट टू से पहले आएगा, बाद में नहीं। जैसे कुछ दोस्त इस फिक्रे को यूं भी बना सकते थे, यू आर टू नॉट टेल एनीबडी, जबकि ये फिक्रा गलत हो जाता, आपने कैसे बोलना है, यू आर नॉट टू टेल, नॉट टू टेल, ही इज नॉट टू टेल, नॉट टू, ठीक है? तो मना करने के लिए, यानी कुछ करने से मना करने के लिए आपने क्या कहना है, नॉट टू, ही इज नॉट टू,
आई एम नॉट टू, यू आर नॉट टू टेल एनीबडी अबाउट दिस। आपको कवानीन पर अमल करना है। यू आर टू फॉलो द रूल्स, यू आर टू फॉलो द रूल्स। उन्हें गांव में रहना था। बात आ गई था की पास्ट की, तो वर लगेगा, उन्हें मतलब ज्यादा लोगों को। दे वर टू लिव इन द विलेज, दे वर टू लिव इन द विलेज। जी, तो किसी को कोई काम करने के लिए कहने के लिए या किसी को किसी काम से मना करने के लिए हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी काम से मना करने के लिए कुछ मजीद सेंटेंसेस देख लें। आपको अगले नोटिस तक इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। यू आर नॉट टू अलाउ इट टिल फर्दर नोटिस। उन्हें वहां नहीं जाना था। दे वर नॉट टू गो देयर, दे वर नॉट टू गो देयर। वो रिश्वत देने की इजाजत नहीं देता। ही इज नॉट टू अलाउ ब्राइब्स, ही इज नॉट टू अलाउ ब्राइब्स। यानी वो रिश्वत नहीं देने देता। ठीक है, उन्हें सुबह 8 बजे तक नाश्ता नहीं करना है। दे आर नॉट टू टेक ब्रेकफास्ट टिल 8 AM, दे आर नॉट टू टेक ब्रेकफास्ट टिल 8 AM। दोस्तों, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का यूज हम किसी को कानून के बारे में बताने या पूछने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे तमाम अमले को सुबह 9 बजे तक पहुंचना है। All staff is to reach till 9 AM. यानी instructions दी जा रही हैं, कानून बताया जा रहा है, rule बताया जा रहा है। हर मुकाबले में हिस्सा लेने वाले को ये पहनना होता है। Every contestant is to wear this. Every contestant is to wear this. मुझे interview के लिए क्या पहनना है? What am I to wear for the interview? What am I to wear for the interview? हमें उससे क्या सीखना है? What are we to learn from this? हमें इससे क्या सीखना है? What are we to learn from this? दोस्तों, is, am, are, was, were plus two को एक और तरह से भी यूज किया जा सकता है। यानी इस तरह से, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ऐसा करें। यानी आप किसी के लिए कंडीशंस रख रहे हैं कोई काम करवाने के लिए। ठीक है, कैसे? अगर आपको मैच जीतना है, ये कंडीशन है, तो आपने क्या करना है? हर रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सीखना है, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, तो आपको प्रॉपर कोर्स करना है, लगातार सीखना है। यानी 5 दिन सीखे छोड़ नहीं देना। अगर आप वक्त पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको जल्दी जागना है। तो अब जरा इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं ये देख लेते हैं। इफ यू आर टू विन द मैच, इफ यू आर टू विन द मैच, यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आपको मैच जीतना है, ठीक है, तो जीतना है यानी ना है आ गया। अगर आपको सीखना है तो आपको शेड्यूल पर अमल करना होगा। इफ यू वॉन्ट टू लर्न, अच्छा यहां पर गौर कीजिए, यहां कौन सा वर्ड है जो हम चेंज कर सकते हैं? इफ यू आर टू लर्न, ठीक है, हमें क्या बोलना है यहां पर? चूंकि हम इज टू, एम टू, आर टू सीख रहे हैं, तो इफ यू आर टू लर्न, अगर आपको सीखना है, यू मस्ट फॉलो द स्केड्यूल। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अगर आप वक्त पर पहुंचना चाहते हैं, यानी अगर आपको वक्त पर पहुंचना है, If you are to reach in time, you should wake up early. If you are to reach in time, या on time, you should wake up early. तो इस तरह से हम एक कंडीशन रखकर बड़ी आसानी से is to, am to, are to वगैरह का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, किस्मत या नसीब को लेकर हम इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते रहते हैं कि ऐसा होना है या होना था। ठीक है, सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए भी हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का यूज कर सकते हैं। और इनसे बहुत खूबसूरत सेंटेंसेस बनते हैं। कैसे? मैंने सोचा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन
हमें नाकाम होना था, होना था, तो वर टू का यूज होगा या वॉज टू का यूज होगा, क्योंकि हमें है तो वर का यूज होगा, ठीक है, वर टू। इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई थॉट, चूंकि वर टू है तो सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है ये भी पास्ट में ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वर टू हो यानी पास्ट, कुछ हिस्सा पास्ट में हो और कुछ हिस्सा प्रेजेंट में, ऐसा नहीं हो सकता। वर टू आ गया तो सेंटेंस शुरू भी पास्ट के सेंटेंस से ही होगा, पास्ट के क्लॉज से ही होगा। आई थॉट वी वर विनिंग बट वी वर टू फेल, मैंने सोचा कि हम जीत रहे हैं लेकिन हमें नाकाम होना था, हमें फेल होना था क्योंकि ये किस्मत में था। हम कवानीन पर अमल नहीं कर रहे थे इसलिए हमें चालान फीस अदा करनी पड़ रही है। वी वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स सो वी आर टू पे चालान फी। ओके, मैंने तमाम कोशिशें की लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने तमाम कोशिशें की लेकिन मुझे नाकाम ही होना था। आई मेड ऑल एफर्ट्स बट आई वॉज टू फेल, क्योंकि किस्मत में लिखा था, ठीक है। ओके, आई मेड ऑल एफर्ट्स बट आई वॉज टू फेल। ओके दोस्तों, सो किस्मत के मुकद्दर के बारे में बात करने के लिए इंग्लिश में हमने वॉज टू, वर टू, इज टू, एम टू, आर टू का यूज भी सीख लिया। इसमें ज्यादा वॉज टू एंड वर टू का यूज होता है, ठीक है, ऐसा होना था। ओके दोस्तों, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस टू का एक और यूज है नोटिसेस देने में, ठीक है। यानी नोटिसेस में हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, राइट। सो पैसिव वॉइस का यूज करते हुए हम स्टूडेंट्स को, लोगों को, एम्प्लॉयज को जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम नोटिसेस दे सकते हैं, ठीक है। ओके सो ये कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। इस किताब के डिज़ाइन को तब्दील नहीं करना है, ठीक है, या नहीं किया जाना है। तो दिस बुक डिज़ाइन इज नॉट टू बी चेंज्ड, इज नॉट टू बी चेंज्ड। ये दवा दिन में दो बार खाने के बाद लेनी है। दिस मेडिसिन इज टू बी टेकन, इज टू बी टेकन ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स। अच्छा, यहाँ पर याद रखिए कि अब तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया था। पैसिव वॉइस का ये रूल है कि आप बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको याद होगा, अगर आपने सीखा है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। सो इज़ टू बी टेकन, इज़ टू बी डन, ओके, इज़ टू बी चेंज्ड, राइट। सो इस तरह से आप टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। करने को कुछ नहीं बचा, देर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन। जी दोस्तों, आई होप आपको इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस टू का यूज अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब जरा इसको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हमने इसको यूज करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहले ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस टू है, ये स्पोकन इंग्लिश में कम यूज किया जाता है, जबकि फॉर्मल राइटिंग में और बिजनेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मल है कंपैरेटिवली, यानी ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हम टू का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंसेस के लिए एक ही जैसा रूल है। फिर हमने इनका यूज सीखा प्लान्स में या अरेंजमेंट्स में, जो पहले से डिसाइडेड चीज़ें हैं, जब हम डिसीजन ले चुके होते हैं कि हमने ये करना है तब यूज़ करते हैं इसको। फिर हम रूल्स बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोटिसेस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और किस्मत के बारे में बात करने के लिए कि ऐसा होना था, ऐसा लिखा था वगैरह कहने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, इज टू, एम टू, आर टू, ये हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। वाज टू एंड वर टू हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। फ्यूचर के लिए हमने इस चीज़ का यूज़ नहीं करना। आई विल बी टू गो, बिल्कुल गलत। यू हैव बीन टू गो, बीन के साथ भी ये बिल्कुल भी नहीं आने वाले।
इसी तरह से शी इज़ बींग टू गो, यानी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जब आप इसको लेकर जाएंगे या फ्यूचर की तरफ लेकर जाएंगे तो गलती कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा आपने याद रखना है, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वो भी सिर्फ और सिर्फ पांच चीज़ें हैं, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, और फिर हम इसका पैसिव वॉइस में यूज़ भी सीख चुके हैं, ठीक है जी। दोस्तों इस लेसन के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।